हेलो हिंदुस्तान, आप और मैं मिलकर कर रहे हैं धप्पा खबर पंजाब पर। पुलिस के खुफिया विभाग की बिल्डिंग में रॉकेट लॉन्चर से हुआ हमला। जी हम बता दें कि मोहाली में पंजाब के खुफिया विभाग की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रॉकेट लॉन्चर से हुआ हमला। RPG का किया गया था इस्तेमाल। SP रविंद्र पाल सिंह ने बयान जारी कर कहा कि हमला रॉकेट लॉन्चर से किया गया था, जिसमें खुफिया विभाग के मुख्यालय की चौथी मंजिल को निशाना बनाया गया। पूरे जिले को छानबीन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये पूछे जाने पर कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, मोहाली के SP ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जाँच कर रहे हैं। फिलहाल घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं धमाका होने के बाद मोहाली में सुरक्षा की सारी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आसपास की बिल्डिंग भी प्रभावित हुई है। खुफिया विभाग की ये बिल्डिंग सुहाना साहब गुरुद्वारे के पास लोकेटेड है। खुफिया विंग के सूत्रों का कहना है कि धमाका रॉकेट ग्रेनेड हमले के कारण हुआ है। ये हमला रात के करीब 7:45 पर हुआ। हमला करके बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इस हमले का प्रभाव इतना ज्यादा था कि तीसरी मंजिल तक महसूस किया गया। धमाके के बाद बिल्डिंग के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। पंजाब सरकार सूत्रों के मुताबिक ये धमाका कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के पास अपने खुद के विस्फोट हैं, जिनकी वजह से धमाका हुआ है। घटना के जगह पर कई अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ के SP कुलदीप चहल भी मौजूद है। पुलिस अभी घटना के जगह आसपास लगे CCTV फुटेज की जाँच करेगी। कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में DGP से बात करेंगे और घटना की पूरी जानकारी लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों ने आतंकी हमला की संभावना से इनकार कर दिया गया है। उनका कहना है कि बिल्डिंग के अंदर विस्फोट रखे हुए थे, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में? क्या आपको यह आतंकी हमला लगता है या फिर कुछ और? हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और वहां पे जांच चल रही है। मोहाली ब्लास्ट के अपडेट्स के लिए आज के लिए बस इतना ही। मामले के नए अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक मुद्दे के अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें। धन्यवाद।